बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। अगर आपके बच्चे ने साल भर पढ़ाई की है या नहीं भी की तो अब डरने की बात नहीं है, आपका बच्चा फर्स्ट आएगा ही आएगा। और अब अपने बच्चे का रिजल्ट आने से पहले ही गली मोहल्ले में और अपने परिवार के सदस्य में दावे के साथ कह पाएंगे कि आपका बच्चा फर्स्ट ही आएगा। उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा टोटका करना है और वही चमत्कारी उपाय आपके बच्चे को फर्स्ट पोजीशन पर ना ला दे तो कहना। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज मुझे क्या हुआ है कि आज मैं आपको आपके बच्चे के पास होने के नुस्खे और टोटके बता रही हूँ। दरअसल ये देखकर मेरा भी दिमाग हिल गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े मगर बच्चा पास ज़रूर हो जाएगा। मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या टोटका है, तो बेचैन मत होइए, थोड़ा सा सब्र करिए। ये टोटका कोई इतना महंगा भी नहीं है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सस्ता और टिकाऊ टोटका है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा हो तो और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बेलपत्र का पत्ता लेना है और उस पर शहद लगाना है और शंकर भगवान के शिवलिंग पर चिपका दीजिए, बस फिर देखिए कमाल, आपका बच्चा पास होकर ही आएगा। जी हाँ, ये मैंने ही ऐसा ये ढोंगी और पाखंडी कथावाचक प्रदीप मिश्रा बता रहे हैं, जरा देखिए इस वीडियो को। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। आपका बच्चा तो देखा आपने किस तरह से कुछ ढोंगी पाखंडी जनेऊधारी और भगवाधारी लोग किस तरह से आपके दिमागों को खाली कर रहे हैं और आपके बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं कि वो क्या करेगा, क्या बनेगा आगे जाकर। दरअसल ये सरकारी गुंडे एक साथ एक एजेंडा पर काम करते हैं। पहले ये मंदिर मस्जिद करके आपके बच्चों को मस्जिद के नीचे खुदाई कर मंदिर ढूंढने भेज देते हैं, और जब देखते हैं कि कुछ लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर IAS या अधिकारी बना रहे हैं तो एजेंडाधारी कथावाचकों द्वारा आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य पाखंड से खत्म कर देने चाहते हैं कि बिना पढ़े आपके बच्चे पास हो जाएंगे। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को शहद से चिपका देंगे तो आपका बच्चा एग्जाम में फतेह हासिल करेगा। अब आप इनका एजेंडा समझिए। जब एक तरफ पूरा देश, पूरा गोदी मीडिया ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहा है, तभी इन कथावाचक को शिवलिंग पर ही बेलपत्ता चिपकाना याद आया है। और कमाल की बात देखिए, जो दूसरों को ये ज्ञान बांट रहा है उसका खुद का बेटा फेल हो गया है। यह चमत्कारी उपाय, इस पाखंडी का बेटा फेल हो गया है, शायद इन मिश्रा जी के बेटे ने सलवारी बाबा के कंपनी का मिलावटी शहद लगा दिया होगा, इसलिए बच्चा और टोटका दोनों फेल हो गए। मगर आप खुद देखिए किस तरह से ये मिश्रा जी आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप अपने बच्चों का भविष्य खराब भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं आपके बच्चे पढ़ लिख ना जाए लेकिन इन्हें आपसे क्या लेना देना, क्योंकि बाबा और पाखंडियों को तो पता है कि कुछ भी ऐसा कार्य है जिसमें धार्मिक आस्था हो उसको जहर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर उन्हें कमल के फूल में पनाह मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, 85% से अधिक लोग मानसिक विकृति के शिकार हैं, जैसे पागल को पागल होने का पता नहीं चलता, यही बात इन मिश्रा जी पर लागू होती है। लेकिन कुछ जो समझदार हैं वो बखूबी समझते हैं मानसिक विकृतियां अलग अलग तरह की होती हैं। आज के अधिकतर राजनेता, साधु संत, गोदी मीडिया, ये सभी इससे ग्रसित हैं। पूरे देश में इस तरह के पाखंडी जमात अपने कार्य करके लोगों को अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग धर्म की अफीम चटा चटा कर समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और इन ढोंगियों का ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से, ना महंगाई से, ना कोविड में मरे 45 लाख लोगों से है। इन्हें सिर्फ अपने फायदे के साथ सत्ता और कुर्सी से मतलब है कि कैसे ही BJP में शामिल होकर पद मिल जाए। नेता बनने की योग्यता इस कथावाचक ने हासिल करना शुरू कर दिया है। कल देश चलाएगा और महानतम नेताओं में शुमार होगा, ऐसी संभावनाओं के द्वार खुलने लगेंगे। आजकल बाबाओं का कर्नाटक चल रहा है, सब धंधा है पर भक्त भी तो अंधा है।
इसलिए अपनी आंखें खोलिए और निकलिए इस पाखंड से बाहर और तय कीजिए अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित आवाज। शुक्रिया।